सियासत से लेकर सितम तक और गुनाहों से लेकर सजा तक आजम खान दशकों से सुर्खियों का हमसाया रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम अब्दुल्ला और तंजीम फातिमा को मिली 7 साल की सजा उन अनकहे जुल्मों की बुनियाद की ओर इशारा करती है जिन्हें 2012 से 2017 के बीच बेरोक टोक अंजाम दिया गया। नवाबों के बसाए रामपुर में पुलिस प्रशासन, कानून और सियासी रसूख सबके मायने थे सिर्फ आजम खान। लेकिन कहते हैं कि समय की मार आजम खान पर ऐसी पड़ी कि सलाखों के पीछे घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी जेल में बंद आजम खान की, जिसकी योगी सरकार ने अक्ल ठिकाने लगा दी। जेल में बंद आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें, योगी सरकार के इस एक्शन से मचा हड़कंप, आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर लगा ताला, अखिलेश यादव के चहेते पर चला योगी का हंटर। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या गई, पूर्व मंत्री आजम खान की पूरी तरह से रसूख ही खत्म हो गया। आजम खान वो शख्सियत है जिसका रामपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में जलवा हुआ करता था, लेकिन आज योगी सरकार ने आजम को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बना लिया है क्योंकि इसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर बने 2 भवनों पर प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की। खाली करने के लिए दिया गया समय पूरा होने के बाद अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ परिसर पहुंचकर यह कड़ी कार्रवाई की। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में कस्टोडियन की जमीन पर अवैध कब्जा कर इस भवन का निर्माण कराया गया था। बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने जौहर विश्वविद्यालय में पैमाइश कराई थी। राजस्व विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर स्थित 13.8 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की पैमाइश कर कस्टोडियन को कब्जा दिलाया था। इसी जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सुरक्षा प्रमुख का आवास बना हुआ था, जिसे खाली कराने का एसडीएम सदर मोनिका सिंह ने 25 जुलाई को नोटिस दिया था। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन को दिए नोटिस में प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया था, जिसकी अवधि पूरा होते ही कस्टोडियन के प्रवेशक रामपुर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन से सहायता की मांग की। फिर राजस्व टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और दोनों भवनों को सील कर दिया गया और वहां शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का नोटिस भी लगा दिया गया। बुलडोजर से मोहब्बत कैसे बन गई मुसीबत, सपा नेता आजम खान के आतंक की कहानी। अब आपको बताते हैं आजम खान के ऐसे गुनाहों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। यूं तो आजम का सियासी इतिहास 4 दशक से ज्यादा पुराना है, लेकिन जिस दौर ने आजम को सियासी हुक्मरान आजम खान बनाया आज उसी की चर्चा करेंगे। बताएंगे कैसे रुतबा हासिल करने तक के सफर में आजम खान के रसूख ने कई बेगुनाहों को अपने बुलडोजर से रौंदा है। अखिलेश यादव भले ही कहते हैं कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है, लेकिन सजा दरअसल उन गुनाहों की है जो रामपुर वालों के कांपते होठों तक कई बार आई लेकिन अनसुनी कर दी गई। साल 2014 की बात है, रामपुर में उस दिन आंधी तूफान कहर बनकर टूट रहा था। लोग जान माल की हिफाजत के लिए घरों में दुबके पड़े थे। गांधी समाधि से थोड़ी दूर पर जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS का पुराना दफ्तर था। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री आजम खान ने उस सरकारी दफ्तर को नगर पालिका की सरकारी जगह पर आनन फानन में शिफ्ट करवा दिया। DIOS का नया दफ्तर जिस जमीन पर 99 साल की लीज पर अलॉट किया गया, वहां एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। रामपुर के कुछ लोग उस दिन की कहानी आज भी नहीं भूले हैं। लोग बताते हैं कि नगरपालिका की जमीन पर जो मुस्लिम परिवार रहता था वो दूध का छोटा मोटा कारोबार करता था। कुछ भैंसे पालकर वो परिवार गुजारा करता था। आजम खान पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचा। लोग बताते हैं कि 2014 की इस घटना के वक्त साधना गोस्वामी बतौर SP तैनात थी। भारी बारिश और तूफान के बीच गरीब मुस्लिम परिवार की 3 बुलडोजर से गिरा दी गई। कहते हैं कि DIOS ऑफिस के नाम पर जिस जगह से गरीब मुस्लिम परिवार को उजाड़ा गया था वो मंजर लोगों को अच्छी तरह याद है। वहीं पत्रकारों के मुताबिक आंधी बारिश में जब गरीब के घर पर बुलडोजर चल गया तो पूरा परिवार भीगता रहा। लोग बताते हैं कि तूफान और बारिश में भीगते बच्चों के होंठ नीले पड़ गए थे। स्थानीय पत्रकारों ने बच्चों को कहीं सुरक्षित जगह
शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन आजम खान और प्रशासन दोनों ने इस बात को अनसुना कर दिया। यानी कि एक तो उनका आशियाना उजाड़ा गया और फिर उनको मरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया गया। वहां के लोगों ने बताया कि आंधी बारिश की वजह से ज्यादा लोग मौके पर नहीं पहुंचे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग आजम के इशारे पर कार्यवाही के लिए मौजूद जरूर थे, समाज कल्याण अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन दिल को झकझोर देने वाला पहलू ये सामने आया कि वो परिवार दोबारा रामपुर में किसी को दिखा भी नहीं और सत्ता के नशे में चूर आजम खान का ये सितम कानून के किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सका। आजम के आतंक की कहानी यही खत्म नहीं होती है। साल 2016 का वो दिन रामपुर वाले कभी नहीं भूल सकते। सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने कब्रिस्तान की जमीन पर कुछ गरीबों पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर आगे आया, पीछे पीछे आजम खान आया। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने एक पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ कुछ जमीन ऐसी थी जहाँ किसी की कब्र नहीं थी। किनारे की जमीन पर अमूमन कब्र नहीं बनाई जाती। कब्रिस्तान की इसी तरह की थोड़ी बहुत खाली जमीन पर करीब 10 से 12 परिवार पॉलिथीन डालकर रहते थे, लेकिन आजम खान ने इन गरीबों पर ऐसा सितम ढाया कि वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आजम खान के आदेश पर वहां बुलडोजर पहुंचा। स्थानीय प्रशासन के लोग साथ थे। कुछ ही देर में गरीब मुस्लिम परिवारों का सामान हटा दिया गया। इसके बाद बुलडोजर चलाकर कच्ची दीवारें गिरा दी गई, वहां बैरिकेटिंग कर दी गई। कुछ ही दिनों में वहां चार दीवारें भी बन गई। आजम ने इस बुलडोजर एक्शन को लेकर वहां के लोगों से कहा कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे रोकने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो नसीब के मारे कब्रिस्तान में आशियाना बनाकर जी रहे थे उन्हें कहीं बसाने का इंतजाम क्यों नहीं हुआ। बता दें कि रामपुर का नवाब खानदान देश विदेश में अपनी दरियादिली और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। नवाब हामिद अली खान ने रामपुर में राजा लाइब्रेरी की बुनियाद तैयार करवाकर देश को बेमिसाल तालीम की जगह में तब्दील किया था। नवाब परिवार हमेशा से कांग्रेस के साथ था। नवाब राजा अली खान और बेगम नूर बानो कांग्रेस के काफी करीब रहे। नूर बानो तो 1992 और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर रामपुर से लोकसभा सांसद भी चुनी गई, लेकिन नवाब परिवार के सामने आजम खान ने खुद को स्थापित करने के लिए नफरत का सहारा लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आजम खान नवाब के महल के सामने कई बार जनसभाएं करता था। वो अक्सर ये भी कहते थे कि ये जो ताज है उसको मैं एक दिन तुड़वा दूंगा, राजा लाइब्रेरी पर बुलडोजर चलवाऊंगा। नवाबों के खिलाफ खुलकर नफरती बयान देने वाले आजम 1990 के दशक से ही सुर्खियों में बनने लगे थे और अखबारों में नवाब परिवार पर निजी हमले वाले आजम के तलख बयान छपना आम बात हो गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि आजम खान जिस रजा लाइब्रेरी पर बुलडोजर चलवाने की बात कहते थे उसकी बुनियाद 1774 में तैयार हुई। पहले किताबों के उस महल नुमा घर को कुतुब खाना नाम दिया गया था, बाद में इसे रजा लाइब्रेरी कहा जाने लगा। नवाब रजा अली खान ने इस लाइब्रेरी को सिर्फ दुनिया भर की किताबों का घर ही नहीं बल्कि नायाब सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान दिलाई। आज केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत ये लाइब्रेरी हेरिटेज टूरिज्म की राह पर है। कहते हैं कि समय की मार बहुत डरावनी होती है। आजम खान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आजम खान के सियासी उदय और अस्त दोनों के गवाह बनने वाले वहां के लोग हैरान करने वाला किस्सा बताते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आजम खान ने बेगम नूर बानो और उनके बेटे नवेद मियां को हमेशा से अपने निशाने पर लिया, क्योंकि बेगम नूर बानो लोकसभा के तौर पर रामपुर में अपनी पैठ जमा चुकी थी। वह उनके बेटे नवेद मियां साल 2002 से स्वार विधानसभा में मजबूती से चुनाव जीतते रहे। आजम ने अपने और अपने बेटे के लिए सियासी राह तलाशने में नूर बानो और नवेद मियां समेत नवाबों पर हमले जारी रखे। इतना ही नहीं, कई बार बेगम नूर बानो को लेकर सार्वजनिक रूप से बोलने में वो हदें तक भूल जाते। इस बात का भी लिहाज नहीं रखते थे कि वो किसी महिला के बारे में इस तरीके की बयान दे रहे हैं। साल 2017 में आजम ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। रामपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव में किले के मैदान में जनसभा हुई। यहां आजम ने कह दिया कि ऊपर के फैसले खुदा करता है, नीचे के फैसले हम करते हैं। यानी वो खुद को रामपुर का खुदा बता दिया। कहते हैं कि 2012 से 2017 तक आजम खान ने सितम की इम्तहा कर दी थी। हालांकि 2017 ही वो साल है जब आजम का सियासी रसूख, उसकी किस्मत और सितम सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और इसी साथ आजम खान की बर्बादी भी शुरू हो गई। योगी के हंडर की मार ऐसी पड़ रही है कि जेल में बंद आजम खान अब फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।